चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 0.01%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। अच्छा, इसमें हम लोगों ने यूनिट ऑफ मेजरमेंट में एक रिलेशन डिस्कस किया था, वो था परसेंटेज एरर का। ठीक है, परसेंटेज एरर या परसेंटेज चेंज उसको कहा जाता है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मोमेंटम के साथ कैसे इसको रिलेट करते हैं, तो अगर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, यानी इसे आप लिख सकते हैं 1/2 m पी का स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं, मोमेंटम दिया हुआ है तो मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है अगर 0.02%, 0.01%। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंटेज इंक्रीज करेगी। तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा के बाई के परसेंट इक्वल टू टू इंटू, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, फिक्स है, टू डेल्टा पी अपॉन पी परसेंट। ये परसेंटेज एरर हम लोगों ने सीखा था यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, याद होगा। ठीक है, तो के और पी में कैसा रिलेशन है, उसी के बेसिस पे, क्योंकि जो पावर होता है वो नीचे उतर आता है, 1/2 होता तो यहाँ 1/2 होता टू की जगह। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कितना है, डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू, पी इनिशियल मोमेंटम है इनटू, और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो आप ध्यान से देखो, और ये 100% 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में हो जाता है, ये कितना आ रहा है, 0.01% है। तो अगर मोमेंटम में जो चेंज है वो अगर 0.01% है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये चेंज आएगा 0.02%। करेक्ट है, इसको अगर थोड़ा सा समझना हो तो आप एक बार यूनिट ऑफ मेजरमेंट में एरर करेक्शन वाला जो टॉपिक है वो देख सकते हो। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।